अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। समोसा बनाने के लिए पहले हम डो को रेडी कर लेंगे। इसके लिए एक बॉल पे ले रहे हैं 1.5 कप मैदा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, सॉल्ट टू टेस्ट। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हम इसको गूंद लेंगे। एक साथ में ज्यादा पानी ना डालें। डो को हम थोड़ा सा सख्त बनाएंगे। डो रेडी है तो दे रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। मिला लेंगे अच्छे से। अभी 30 मिनट्स इसको कवर करके रख देंगे। जब तक डो रेस्ट पे है हम आलू को बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 3 उबले हुए आलू। आलू को मैश कर लेंगे हाथों से। हम आलू को थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, इससे समोसा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पैन पे 2-3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। इसमें देंगे थोड़ा सा कच्चा मूंगफली यानी कि पीनट्स। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है तो पैन से उठा लेंगे इसको। तेल गरम है तो दे रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा। 30 सेकेंड फ्राई करेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून क्रश जिंजर, 1 ग्रीन चिली चॉप्ड। 1 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे इसको। मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। अभी मिक्स कर लेंगे इसको। देंगे सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, बट ये ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। आप इसके जगह पे बहुत ही थोड़ा सा नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। मिला लेंगे अच्छे से। देंगे फ्राइड मूंगफली, 2 पिंच गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी दे सकते हैं। तो स्टफिंग रेडी हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आधा घंटा हो गया है तो अभी हम इसको थोड़ा सा और एक बार गूंद लेंगे। इसका अभी छोटा छोटा लुई बना लेंगे। लुई का साइज रोटी से थोड़ा छोटा और पूरी से थोड़ा बड़ा होगा। पहले हम हाथों में एक लुई लेके रोल कर लेंगे। थोड़ा सा सूखे मैदा छिड़क के लुई को रोल कर लेंगे। इसमें बीच बीच में थोड़ा सा मैदा लगा के इसको बेल लेंगे। हम इसको बहुत ज्यादा मोटा और पतला नहीं बेलेंगे, मीडियम ही रखेंगे। देखिए कितना ठीक मैंने बेली है, पतला और मोटे के बीच में। अभी हम मिडिल से इक्वली कट कर लेंगे इसको। डिवाइड हो गया। समोसा बनाने के लिए पहले हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर थोड़ा सा पानी हाथों से ऐसे साइड पे लगा लेंगे। अभी दूसरा साइड भी फोल्ड करके थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और अच्छे से सील कर देंगे किनारों को। देखिए एक कोन की तरह शेप दे दिया है। आलू भर देंगे इसके अंदर, हाथों से सेट कर लेंगे ऐसे। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे किनारों पे और प्रेस करके मुंह को सील कर देंगे अच्छे से। तो समोसा रेडी हो गया है तलने के लिए। दूसरा भी बना लेंगे। प्रोसेस सेम है बट जॉइंट को हम मिडिल में नहीं साइड पे रखेंगे। समोसा देखने में इससे थोड़ा डिफरेंट लगेगा। आपको जो इजी लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। देखिए ये 2 टाइप की है, एक का जॉइंट मिडिल से है और दूसरे का साइड से। अभी हम इसको तल लेंगे। कढ़ाई पे ले लिया है ऑयल। समोसे को हम एकदम ठंडा तेल में छोड़ेंगे। दे रहे हैं समोसा। गरम तेल में समोसा छोड़ने से समोसे की बाहर में जो कोटिंग है उसमें बबल्स आ जाएंगे, इसीलिए ठंडा तेल में ही छोड़ना है। लो फ्लेम में 5-6 मिनट हम इसको होने देंगे। 5-6 मिनट्स बाद हम इसको पलट देंगे और फिर से 3-4 मिनट हम लो फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज करके मीडियम में कर देंगे और इसको पलट पलट के तल लेंगे। समोसा एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है तो निकल लेंगे इसको ऑयल से।
देखिए एकदम बबल्स नहीं आया है इसमें, आप अगर यही स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके समोसे में बिल्कुल बबल्स नहीं आएंगे। तो मैंने इसका प्लेटिंग कर लिया है, आप इसको घर में एक बार जरूर बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।